कक्ष नौमी की इसमें फाइनली आपके यहाँ पर गणित के त्रिमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से क्वेंटर रहती गणित के पेपर और फाइनली आपके यहाँ पर गणित पे आ चुका है और साथ ही आप यहाँ पर देख ली त्रिमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा नौवीं विषय गणित आपका पूरा के यहाँ पर 75 नंबर रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 75 नंबर आने वाले। तो इस पेपर को पूरा आपको पूरा सॉल्व कर लेना क्योंकि आपका यहाँ पर गणित का पूरा पूरा पेपर आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर देखने आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है और दूसरा प्रश्न के 1 से 5 तक वस्तु प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित हैं, तीसरा निर्देश आधा, चौथा निर्देश 5 मिनट। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। तो फाइनली पूरा आपको यहाँ पर हम गणित पेपर लेके आ चुके हैं। साथ वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए जो आपका पेपर बहुत देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं 6 नंबर के सही विकल्प। सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक परिमित तथा एक अपरिमित संख्या का एक फल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो आपका था परिमित संख्या, 2 था अपरिमित संख्या और 7 था प्राकृतिक संख्या और 10 था पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर थे एक परिमित तथा एक अपरिमित संख्या का एक फल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, अपरिमित संख्या। फिर आपका दूसरा आता है निम्न में से कौन सी अपरिमित संख्या है। तो आपका आता 0.23 और बा ऑप्शन आता है, सा ऑप्शन आता 0.24 और दा आता 0.2325। तो निम्न में से कौन सी अपरिमित संख्या है। तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, 0.23023002300000। ठीक है, दूसरे का आपका 2 करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना और साथ ही अच्छे सुनना भी है और साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना जिससे आपको रिवीजन करने में आसान जाएगी। ठीक है, तीसरा आता शून्य बहुपदी घात है। तो आपका आता 1 और 2 था कोई भी पूर्ण संख्या और 7 था परिभाषित नहीं और 2 था 0। तो यहाँ पर शून्य बहुपदी घात है तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, 0। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका 2 रहेगा, 0। अब आपका यहाँ पर चौथा आता बहुपद 5x3 प्लस 4x2 प्लस 7x3 है। तो आपका आता 3 और 2 था आपका 2 और 7 था आपका 7 और 2 था 5। तो यहाँ पर बहुपद 5x3 प्लस 4x2 प्लस 7x3 तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 3। ठीक है, आपको यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा 3। अब आपका पांचवा आता है बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपको बता दें कि जो बिंदु -2 और -3 है वो आपके रहेंगे तृतीय चतुर्थांश में। तो पांचवें का आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। अब छठवां आता समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k में यदि x बराबर 2y बराबर 1 तो k का मान है। तो एक जो आपका k का मान रहेगा वो आपका आ जाएगा 7। तो छठवें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के जो सही विकल्प है वो कम्प्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से यहाँ पर देख भी लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो हम आपको फिर से दिखा देते हैं जिससे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है, देखते हैं स्थानीय पूर्ति की 6 नंबर के आते पहला आता एक अपरिमित संख्या का दशमलव प्रसाद डोंडर होता है। तो यहाँ पर एक अपरिमित संख्या का दशमलव प्रसाद शांतया अनावसानी अनावर्ती होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले रेगिस्तान का आंसर रहेगा आपका शांतया अनावसानी आवर्ती, ये आपका रहेगा पहले रेगिस्तान का आंसर। फिर आपका दूसरा था 2 और 3 के बीच एक अपरिमित डोंडर संख्या है। तो आप यहाँ सॉरी जो आपके यहाँ पर जो पहले रेगिस्तान का आप यहाँ पर देख लीजिए एक अपरिमित संख्या का दशमलव प्रसार आपका होता है अनावसानी अनावर्ती। ठीक है, ये आपका रहने वाला था, वो जो हमने आपको आंसर बताया था वो आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर का आंसर है। आप यहाँ पर देख लीजिए पहले रेगिस्तान का आंसर रहेगा आपका अनावसानी अनावर्ती। ठीक है, ये रहेगा आपका पहले रेगिस्तान का आंसर। फिर जो दूसरा आता है 2 और 3 के बीच एक अपरिमित डोंडर संख्या, तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच एक अपरिमित आपकी 2.01001001.... ये आपका रहेगा दूसरे का आंसर। ठीक है, ये आपके यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान का आंसर रहने वाला है। फिर तीसरा आता 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। ठीक है, आप जो तीसरा आता 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है, तीसरे का आंसर रहेगा आपका त्रिघाती। आप यहाँ पर देख ली त्रिघाती रहेगा तीसरे का आंसर। फिर आपका चौथा आता, तो चौथा आप यहाँ पर देख ली भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल आपको चौथे का आंसर हो जाएगा शेषफल। आप यहाँ पर देख ली चौथे रेगिस्तान का आंसर आपका यहाँ पर शेषफल हो जाएगा। फिर आपका पांचवा रेगिस्तान आता मूल बिंदु के निर्देशांक .. होते हैं। तो यहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख ली आपका पांचवें का आंसर हो जाएगा 0 0। अब छठवां रेगिस्तान आता चरों वाले रेखीय समीकरण का आलेख .. 1 होता है। तो आपका यहाँ पर
छः में कितना का आंसर हो जाए सरल रेखा। तो इस तरह से आपके जो छः नंबर के लिए कितना है वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका अनावसानी अनावर्ती और दूसरे का आंसर आपका 2.01001001.... ये आपका दूसरे का आंसर रहेगा। तीसरे का आंसर आपका त्रिघाती, चौथे का आंसर आपका शेषफल, पाँचवें का आंसर आपका 00 और छठवें का आंसर सरल रेखा। तो ये आपका यहाँ पर रेखिस्तान का सॉल्यूशन, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 3 देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न 3 आती है, सही जोड़ी बनाइए। आपके यहाँ पर स्तंभ आओ बामें दी गई सही जोड़ी जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर की आती है। तो पहले आती है 0.85 + 1.25, तो इसे आपको 0.44 से मैच कर देना। और जो दूसरी आती है 216/6, तो इसे आपको 36 से मैच कर देनी है। जो तीसरी आती है तो तीसरी मैच करनी है आपको 7 से। और जो चौथी आती है 7.5 + 4.5, चौथी आपको 3 से मैच कर देनी है। पाँचवीं आती है 5/4, तो 5/4 को आपको मैच करना है यहाँ पर 1.25 से। और जो छठवीं आती है 2.4/10, तो छठवीं मैच करना है आपको यहाँ पर 0.24 से। तो इस तरह से आपको जो सहयोगी वो कंप्लीट हो जाती है। 6 नंबर की हैं हमने मैच कर दिए। आपको कौन में कौन सी मैच करनी है हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न 4 आता है, एक साथ बाक में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? तो आपका इसका आंसर है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती प्रकार का होता है। सॉरी, आपका इसका आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनावसानी आवर्ती होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर रहेगा आपका शांत या अनावसानी आवर्ती, ये रहेगा पहले का आंसर। आपका यहाँ पर आता है रेखिक बहुपद घात क्या होती है? तो आपको यहाँ पर लिखना है रेखिक बहुपद घात 1 होती है। तो दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा 1 होती है, ये रहेगा आपका दूसरे का आंसर। फिर तीसरा आता है, 101³ का मान क्या होगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 103301, ये आपका रहेगा तीसरे का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 101³ का मान ये आपको यहाँ पर निकल के आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चौथा आपका आता है, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को किस रूप में लिखते हैं? तो चौथी का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर A0 के रूप में। ठीक है, A0 के रूप में लिखते हैं, ये रहेगा आपका चौथी का आंसर। अब पाँचवा आपका आता है, तो यहाँ पर दो चरों वाले रेखीय समीकरण का आपको मानक रूप लिखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पर मानक रूप। ठीक है, AX + BY + C = 0, ये आपको दो चरणों में रेखीय समीकरण का मानक रूप है, AX + BY + C = 0, ये आपको पाँचवें का आंसर हो जाता है। छठवा आपका आता है, भुज किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, किसी बिंदु की वाई अच्छे से दूरी को भुज कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी बिंदु की वाई अच्छे से दूरी को भुज कहते हैं, आपका रहेगा छठवें का आंसर। तो इस तरह से आपके एक शतवाक्य में तक कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका शांत या अनावसानी आवर्ती, ठीक है, दूसरे का आंसर आपका एक होती है, तीसरे का आंसर देख लीजिए, चौथे का आंसर, पाँचवें का आंसर आप यहाँ पर देते हैं AX + BY + C = 0, और छठवें का आंसर किसी बिंदु की वाई अच्छे से दूरी को भुज कहते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पर एक शतवाक्य में तक सॉल्यूशन, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, सत असत का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं, तो पहला आता है रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो पहला आपके यहाँ पर रहेगा 7। ठीक है, पहला आपका 7 रहेगा, और दूसरा बहुपद के 1 से अधिक 0 नहीं हो सकते, तो दूसरा आपका हो जाएगा असत्य। और तीसरा था, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो ये भी आपका 7 रहेगा। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी आपका 7 रहेगा। और मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों 0 होते हैं, तो ये भी आपका 7 रहेगा। और दो चरणों वाले रेखीय समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका 7 रहेगा, और दूसरा आपका असत्य रहेगा। ठीक है, और तीसरा 7 रहेगा, चौथा भी 7 रहेगा, पाँचवा भी आपका 7 रहेगा, छठवां 7 रहेगा। तो ये आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको इसकी में दिखा रहे हैं, आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो आपके ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 6 आता है, परिमेय संख्या क्या है? दो नंबर क्वेश्चन रहेगा, अतः अपरिमेय संख्या क्या है, इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। वीडियो पूरा देखना, सभी आंसर हम करा देंगे आपको। प्रश्न 7 आता है, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखिए। अथवा आता 36/100 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? फिर आपका प्रश्न 8 आता है, 1/√2 की हर का परिमेयकरण कीजिए। अथवा आता है, 1/√7 - √6 का हर का परिमेयकरण कीजिए। फिर प्रश्न 9 आता है, x³+1 को x+1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। दो नंबर का रहेगा इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है, 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं, उपयुक्त सर्वसमी का प्रयोग करके x+4 और x+10 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फिर इसका आपका आता है, जिसमें आपको प्रसार ज्ञात निकालना है। फिर प्रश्न 11 आता है, बिंदु -2, -1 और -4 और 3 किस किस चतुर्थांश में स्थित है? इसका अथवा तो बिंदु -2 और 2
और 3-4 में भुज और कोठी के मालिक की, फिर आपको बारमाता चतुर्थांश की शिकायतें अथवा था निर्देशांक अच्छी की शिकायतें। अब प्रश्न 13 आप यहाँ पर देख लीजिए बिंदु 2, 3 और 4, 5 को कार्तीय तल में निर्धारित कीजिए और इसका अर्थ देख लीजिए। फिर प्रश्न 14 देख लीजिए। 15 आता तो 15 आप यहाँ पर के किस मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। तो इसके आपको यहाँ पर और इनके जो स्क्रीनशॉट वो आपको लेते चलना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपको हर क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना, अथवा था के का मान ज्ञात की जबकि x बराबर 2 y = 1, समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो, ठीक है। आपको k का मान निकालना है अथवा था सॉरी 16 आता सीधे गुणा किए बिना इतनी का मान ज्ञात करना और सीधे गुणा किए बिना, ठीक है, 97 × 103 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन आता है गुणनखंड कीजिए इसका अथवा देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर सरल करना है और अथवा में भी आपको यही करना है। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए अथवा आता 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आपको px = x³+1 को x-1 से भाग देने पर आपको शेष पर ज्ञात करना है, ठीक है। आपको x-1 से भाग देना है इसमें और शेष पर निकालना है इसमें और इसका अथवा में भी आपको यही करना है, तो देख लीजिए। अब चलिए जो आपका 21वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपके 21वां क्वेश्चन आता समीकरण x + y = 7 का हल खींचिए और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता तो 22वां क्वेश्चन देख लीजिए और 23वां क्वेश्चन। तो इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। जो 23वां क्वेश्चन है उसमें आपको गुणनखंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इनके स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले लीजिए और जो आपके क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरी पेपर के सोल्यूशन। बाय बाय।